हेलो एवरीवन, आइए कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन पाइथन पे। अभी तक हम बात कर चुके हैं डाटा को इंपोर्ट कैसे करना है, डाटा हैंडलिंग, कुछ पर्टिकुलर रोज कॉलम्स को निकालना, और उसके बाद यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, कोरिलेशन, रिग्रेशन। आगे कंटिन्यू करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ। तो मैं खोल रहा हूँ कोलैब डॉट गूगल रिसर्च। इसमें यहाँ आपको दिखना चाहिए अपना जो भी लास्ट काम किया मैंने, पाइथन पे काम किया है। नेक्स्ट, अब हमें इसमें डाटा दोबारा रीअटैच करना पड़ेगा क्योंकि डाटा फाइल जो थी वो इस सेशन में ये नहीं रहेगी एक बार बंद करने के बाद। सो कनेक्टिंग टू रन टाइम, जब ये आ जाए यहाँ पे, आप यहाँ से कर सकते हैं अपलोड, या आप देख सकते हैं मेरा डाटा होगा यहाँ पे एम्प्टी कार्स। राइट क्लिक भी कर सकते हैं आप इसमें, यहाँ राइट क्लिक करके अपलोड ऐसे भी है। अब मुझे एक तो ये वाली रन करना है इंपोर्ट पैंडा, और ये डाटा के अंदर आ जाएगा और डाटा मेरा यहाँ दिखाई देना चाहिए मुझे रन होने के बाद। आ गया डाटा। इंफॉर्मेशन वाला स्किप कर रहा हूँ मैं, सिलेक्टिंग पर्टिकुलर रोज कॉलम, यूनिवेरिएट, नॉर्मेलिटी चेकिंग, रिग्रेशन एनालिसिस, ये हमने रन कर दिया था इंक्लूडिंग दिस क्यू क्यू प्रॉट। इसके आउटपुट को क्लोज कर देते हैं और हाइपोथेसिस टेस्टिंग से शुरू करते हैं यहाँ पे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमें काम करना है यहाँ पे, सबसे पहले फ्रॉम स्काईपाई इंपोर्ट स्टेट्स, इसके अंदर हमारा स्टेट्स में सब मिलेगा। अब इसके अंदर हम काम करते हैं कमेंट कंट्रोल फॉरवर्ड सिलेक्शन, वन सैम्पल टी टेस्ट पे देखते हैं। तो हमारा जो ये है स्टेट्स डॉट, इसमें हमारे आएंगे सारे टेस्ट, इसमें मुझे यूज करना है टी टेस्ट। तो टी टेस्ट के अंदर इसने कहा मेरे पास चार हैं, ये एक है वन सैंपल आई एन डी इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्टैट्स, दिस वन वन सैंपल पे काम करना है। और मैंने कहा कि जो डाटा के अंदर एम पी जी है मैं चेक कर रहा हूँ क्या वो 30 है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मैं एक्चुअली चेक ये कर रहा हूँ यहाँ पे, चेक वेदर मीन स्कोर ऑफ एम पी जी इज 30, इसको चेक करना है। तो रन करें इस चीज़ को और यहाँ पे रिजल्ट आ गया 9। वैल्यू टी वैल्यू ग्रेटर देन 2 मीन्स नल रिजेक्टेड, नहीं है 30 नहीं है। ओके, अब ये इस तरह का आउटपुट को थोड़ा सा अगर हम बेहतर करें तो याद है आपको एक तरीका, स्टेटिस्टिक्स और कॉमा, एक है पी वैल्यू, इन दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम यहाँ से। पी वैल्यू इज इक्वल टू, फिर इसके बाद ये जो स्टेटिस्टिक्स आएगा इसको अप टू टू डेसिमल प्लेस कर दें। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा प्रिंट टी स्टेटिस्टिक्स वैल्यू इज और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इसके बाद ये वाली वैल्यू कर दें और इस वैल्यू को भी राउंड हमें करना पड़ेगा अप टू टू डेसिमल प्लेस। सो लेट्स चेक सिंटेक्स काम कर रहे हैं कि नहीं, गड़बड़, राउंड की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, ये चलता है छोटा मोटा ना, ये टाइपिंग का कॉमा इधर उधर। और इसी चीज को पेस्ट करके अब हम कर देते हैं यहाँ पे टी स्टेटिस्टिक नहीं पी वैल्यू इज, और यहाँ पे कर देते हैं इसकी वैल्यू, इसका नाम है पी वैल्यू, पी वैल्यू। तो ये दोनों आ जाने चाहिए। ओके, फिर पी वैल्यू की स्पेलिंग गलत है, पी वैल्यू ठीक है। और मीन क्या था इसका जिसको हम चेक कर रहे हैं, वो भी तो कहीं आना चाहिए ना। तो प्रिंट मीन ऑफ एम पी जी इज, और इसके बाद हम कर देते हैं डाटा डॉट एम पी जी डॉट मीन डॉट राउंड अप टू टू डेसिमल प्लेस। तो आई होप ये हमारा बनना चाहिए। मीन है 20, हमने क्लेम किया था 30, तो टी 9 आ रही है वैल्यू, पी लेस देन दिस, इट मीन्स कि नल हाइपोथेसिस नॉट एक्सेप्टेड, नहीं ये आपका क्लेम गलत है, ये इतना नहीं है, आप नहीं बोल सकते कि 30, एक्चुअली 20 है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट के अंदर एक छोटी सी बात, एक तरीका थोड़ा सा अलग है इसका। टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, देखिए ज़्यादातर आपको आइडिया होगा कि आर, अगर आर आपसे आप आर के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वहाँ हम लिखते थे एम पी जी डिपेंड्स ऑन वी एस, ऐसे लिखते थे हम टी टेस्ट के अंदर। यहाँ पे एक्सेल वाला फॉर्मेट है, एक्सेल कहता है दो कॉलम में अलग अलग दीजिए। यानी पहले मैं इसका सिंटेक्स दिखाता हूँ। इसका सिंटेक्स रहेगा स्टेट्स डॉट टी टेस्ट, आगे देखते हैं ड्रॉप मेनू में इसको बताना चाहिए कि इंडिपेंडेंट। तो ये यहाँ पे बोलता है कि आप
या एक बार दोबारा देखिए टेस्ट ड्रॉप मेनू में आईएनडी पे जब हम आते हैं इस पे, तो ये बता रहा है कि आपको ऐसे लिखना है, ए पहला जो डाटा सेट है कॉमा दूसरा, ऐसा लिखना है आपको। तो वो तो है नहीं मेरे पास डाटा सेट, मेरे पास तो दो कॉलम है पूरे पूरे। अगर आप यहाँ चेक करें इसमें और डाटा डॉट हेड इसको रन करते हैं, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या मेरा एमपीजी वीएस जो है ये कोडेड डाटा है, वी शेप इंजन एंड स्टेट इंजन, इसके लिए मीन सेम है या नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो कॉलम में लिखना पड़ेगा एमपीजी, एमपीजी जब कोड जीरो था, एमपीजी जब कोड वन था, ऐसे दो कॉलम बनाने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हम वो लॉक यूज कर लेते हैं। मैंने बनाया एमपीजी जीरो इज इक्वल टू डाटा डॉट लॉक, क्या कंडीशन है यहाँ पे, कैपिटल ब्रैकेट मीन्स कंडीशन, कंडीशन है व्हेन डाटा डॉट वीएस जीरो हो, और कौन सा कॉलम उठाए, कॉलम उठाए एमपीजी। तो ओके टी स्टेट्स में गड़बड़ आना चाहिए, इसको कमेंट बना दें, और इसी तरह से ये जो एमपीजी है इसको वन बन कर लेते हैं जब डाटा इज इक्वल टू वन हो, राइट। ये दो बन गए। अब हम बोलते हैं यहाँ पे टी स्टेट्स टी टेस्ट, और इसमें हम करेंगे इंडिपेंडेंट, यहां हमें लिखना है एमपीजी जीरो और एमपीजी वन, ये सिंटैक्स है इसका। तो आगे का चीज आपको पता ही है, मैं यहां से देख लेता हूं इसको, प्रिंट कॉपी मीन की हमें लिख लेते हैं, मीन ऑफ एमपीजी जीरो इज दिस और मीन ऑफ दिस। ये आपको लगेगा कि इतना कोडिंग वगैरह करना इतना ये, पर पता क्या ये शुरू में लगता है, जब आप हायर उसमें जाएंगे ना तो ये चीज़ें बहुत फास्ट होंगी आपके। ओके इसके आगे फिर वही चीज़ लिखें, और यहाँ पे था स्टैटिस्टिक्स से नाम है इसका, सो स्टैटिस्टिक्स, और दूसरा है कॉमा करके पी वैल्यू, पी वैल्यू इन दोनों को इज इक्वल टू, इसको रन करेंगे, वैल्यू उठाएंगे, मीन दोनों का मीन दिखाएंगे, टी स्टैटिस्टिक्स इज दिस, पी वैल्यू इज दिस, आई होप रन करना चाहिए, करके देखते हैं। एरर, क्या एरर है, एमपीजी जीरो नॉट फाउंड। अच्छा क्यों नहीं मिला, एमपीजी जीरो तो है यहाँ पे, तो मैंने कुछ और लिखा क्या मीन में, एमपीजी डाटा के अंदर थोड़ी एमपीजी, ओके एमपीजी तो खुद में ही है, ये तो मैंने कहा डाटा के अंदर जो एमपीजी है। अच्छा देखें ये रन करेगा, हाँ जी एमपीजी जीरो है 16, ये है 24। मैं कह रहा था दोनों सेम है क्या, टी ने कहा नहीं, टू ग्रेटर देन टू है, नहीं सेम नहीं है, और पी वैल्यू भी लेस है, सेम नहीं है ये, ओके। और बिल्कुल सेम सिंटेक्स है इसमें, हम काम करते हैं पेड टी टेस्ट का, तो कोड में हम लिख लेते हैं पेड टी टेस्ट। अब इसमें मेरे पास कोई एक्चुअली यहाँ पे एज सच डाटा सेट है नहीं उसके लिए, तो मैं क्या करता हूँ, एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि ड्रेट जो था ये था बिफोर ट्रेनिंग और वेट आफ्टर ट्रेनिंग, या वेट को बिफोर मान लेते हैं, इसको आफ्टर मान लेते हैं, वेट और ड्रेट। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि स्टेट्स डॉट टी टेस्ट, ये है रिलेटेड, आर ई एल आना चाहिए नाम इसका, इसका मतलब है रिलेटेड। मैंने कहा पहले था वेट और बाद में हो गया ड्रेट, इनका चेक करें पेड टी टेस्ट। सो ये कह रहा है वेट नॉट डिफाइंड, ओके डाटा डॉट वेट और डाटा डॉट ड्रेट। ये ना आप चाहें तो इनको अलग से कर भी सकते हैं कि wt इज इक्वल टू ये लिख दो मैं ऐसे, वो भी कर सकते हैं। अच्छा इसका आपको पता है इसमें से कैसे इन दोनों को बाहर निकालना है, तो यहाँ पे भी हम यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और इसी तरह से इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड द पेस्ट, ये हो गया। अब इसका है ऑफ वेट इज, यहाँ पे आ जाएगा वेट, और दूसरा है ड्रेट, सो ड्रेट इज यहाँ पे आ जाएगा DRAT। आई होप ये काम करेगा। मीन ऑफ एरर, क्या एरर है, ये कह रहा है कि वेट नॉट डिफाइंड। अच्छा ये वेट इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डाटा के अंदर है, डाटा डॉट वेट, ओके मीन ऑफ वेट 3, इसका 3.6, दोनों में डिफरेंस है क्या, नहीं कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, मामूली सा फर्क है 0.4 का, मामूली सा फर्क है, टी वैल्यू लेस देन 2। तो ये हमारा हो गया पेड टी टेस्ट। तो सिंटैक्स इसका मतलब सबसे पहले तो स्काईपाई के अंदर है ये, और इसके अंदर स्टैट्स, इंपोर्ट स्टैट्स करना है, स्टैट्स के अंदर ये गिवन है। अच्छा यहीं पे हमारा जैसे वन वे नोवा है उसको अलग से इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा, ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So let's stop here. Thank you.